तो राधाकेंद्रिश एडुकेटर अब तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी की मैं कौन हूँ अब तो याद हो जाना चाहिए तो बच्चों यार बहुत टाइम से ना मैसेजेस आ रहे थे कॉमेंट्स में आ रहा था कि, literature की मैम लिटरेचर करूँ या ग्रामर करूँ मैम ग्रामर की प्रैक्टिस कैसे करूँ मैम इतने क्वेश्चन करूँ मैम उतने क्वेश्चन करूँ इतनी टेंशन इतनी टेंशन माई गॉड तो थोड़ा रिलैक्स करो चिल थोड़ा सा रिलैक्स करो थोड़ा सा आराम से समझने की कोशिश करना है कि हमको लिटरेचर और ग्रामर में डिवाइड करने क्यों यार दोनों बराबर लेके चलो ना दोनों को बराबर लेके चलो तो यार क्वेश्चन है कि मैम स्ट्रैटेजी क्या रहेगी अब यार देखो ऑनेस्टली एक बात बता रही हूँ इनफैक्ट पूछ भी रही हूँ टाइम टेबल सुना है कि मैम इस टाइम पे इस टाइम पे इस टाइम पे ये तो टाइम टेबल ना आधे से ज़्यादा दीवार पे चिपकने के लिए ही बनते हैं फॉलो नहीं होते होते हैं फॉलो बताओ आधे से ज़्यादा टाइम टेबल अरे यार इस टाइम ये करूँगा अरे अरे आधे घंटे का ब्रेक लूँगा अरे बस आज तो सारा पढ़ कर ही दिखाऊँगा टाइम टेबल के हिसाब से दिमाग में रह जाता है और दीवार पे चिपका रह जाता है फॉलो होता है तो इसीलिए स्ट्रैटेजी ना हर किसी के हिसाब से अलग होती है बट ये जो आज मैं स्ट्रैटेजी लाई हूँ या फिर टाइम मैनेजमेंट टेक्निक बोल लो ये सब के लिए एप्लीकेबल होगी सब बच्चे इस हिसाब से पढ़ सकते हैं तो ये टेंशन को थोड़ा रिलैक्स करते हैं खत्म करते हैं लिटरेचर करूँ या ग्रामर करूँ आज के सेशन का टॉपिक है ये ठीक है टाइम कैसे मैनेज करूँ तो आइए टाइम मैनेजमेंट सीख लेते हैं अब यार टाइम के लिए हमको पहले टॉपिक्स देखने पड़ेंगे है ना टाइम के लिए पहले हमको टॉपिक्स देखने पड़ेंगे कि इंग्लिश में टॉपिक क्या रहे मैं फिलहाल इंग्लिश का समझा रही हूँ बाकी सारे सब्जेक्ट्स के टीचर्स आपको अपना अपना समझा चुके होंगे समझाएंगे ठीक है तो यार इंग्लिश में मोटा मोटा पार्ट आ जाता है तेरह मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन तेरह मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते, है, होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इनफैक्ट अब यार तेरह मार्क्स डिवाइड कैसे करें है आठ का तो पैसेज आ गया पांच का नोट मेकिंग आ गया ठीक है ये हमारा हो गया भाई अंजीन पहले पेपर पैटर्न समझने की कोशिश करो फिर आ जाते हम लोग ग्रामर पे जो कि आएगी बारह मार्क्स की बारह और तेरह पच्चीस तो ये हो गए यार है ना तेरह ये बारह ये पच्चीस तो ये हो गए तो पच्चीस मार्क्स कितने आसान है स्कोर करना टाइम लगेगा नहीं लगेगा ध्यान से देखो पोस्टर्स हैं तीन मार्क्स का आएगा पोस्टर मैंने आपको सिखा दिया है लॉन्ग राइटिंग में हमारा लेटर है जो कि आएगा पांच मार्क्स का ग्रामर सिर्फ और सिर्फ चार मार्क्स की आएगी सिर्फ चार मार्क्स चार मार्क्स मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना बहुत ज्यादा साइंटिफिक हो गया कि यार चार मार्क्स कैसे लाऊं टेंस हम लोग कर चुके वन शॉट में डिटर्मिनर्स और रीऑर्डरिंग ऑर्डरिंग रह गए जिसमें से एक क्वेश्चन इसका एक क्वेश्चन इसका और दो क्वेश्चन इसके आने के चांसेस रहते हैं पेपर पैटर्न को एनालाइज करने की कोशिश करो जनरली टेंस के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और अगर यार इसके एस के भी हो गए तो कौन सा डिफिकल्ट है कुछ एलेवेंथ में आ गया अब तो सब लोग यार अब तो नहीं कह सकते कि यार मैम डिटॉमिनर्स नहीं आते मैम में ना सेंटेंस में ये हो जाता है सेंटेंसेस रीऑर्डरिंग नहीं आती अब तो ये नहीं कह सकते है ना और ये सारे सिर्फ एम सी क्यू फॉर्म में आएंगे ये वाले जो हैं जेनरली एम सी क्यू फॉर्म में आएंगे अब आ जाते लिटरेचर पे ये है असली मार्क्स की असली तो यहाँ पर पंद्रह मार्क्स की लिटरेचर है जिस पे फोकस करने की आपको नीड है सबसे ज़्यादा मार्क्स कटते हैं लिटरेचर में ग्रामर में तो सीधा कट गया लिटरेचर में ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं आपने वर्ड्स कम लिखे आपने चैप्टर का आंसर किसी और का किसी और में डाल दिया ये सारे इश्यूज हमारे लिटरेचर में ही आते हैं ऑफ द रेन पोम है पोम्स poem में क्या याद करना है पोइट का नाम द्लान ग्रीन मूवमेंट्स रोल ये एक चैप्टर है जो कि बहुत आसानी से हमने शुरुआत में कर लिया लिटरेचर में जितने भी टॉपिक्स हैं ना इसकी वन शॉट रिविजन सीरीज आपको मिल जाएगी बीच में हम लोग मैराथन भी करेंगे अब आते हैं जो एक्चुअल में हो रहा है अब आते हैं जो एक्चुअल में हो रहा है बिल्कुल लेजिट चीजें लाई हूं जो बिल्कुल रीजनेबल हैं जो आपके साथ हो रही होंगी बच्चे क्या करते हैं मम्मी शाम को फ्री होकर पढ़ लूँगा है ना मम्मी शाम को फ्री होकर पढ़ लूँगा अभी तो मतलब बहुत टाइम है यार शाम हो गई मम्मी यार अभी ना मतलब आलस आ रहा है मम्मी रात को पढ़ूंगा रात को रेंटेड पढ़ लूंगा। कोई शक नहीं है रात हो गया यार इधर से भूत आ गया तो यार नींद आ है मम्मी कल पढ़ लूंगा इसको ना बंद कर दो इसको बंद कर दो मैं पढ़ चुकी हूं इलेवेंथ भी ट्वेल्थ भी और कॉलेज भी सब कुछ कर लिया आई कैन फील इट मैं जब फील कर पा तो आपके साथ होता होगा तो ये चीज़ बंद करो आज ही अपना स्केड्यूल बनाओ कि यार मुझे दिन के आठ घंटे पढ़ना है सेल्फ स्टडी तो पढ़ना ही है अभी तो स्कूल में कुछ नया भी नहीं हो रहा सिर्फ एग्जाम्स की तैयारियां चल रही हैं तो दिन के आठ घंटे निकालने हैं मतलब निकालने हैं किसी भी तरीके से ठीक है दूसरा कि कल से पक्का पढ़ूंगा ये भी होता है यार कल कहाँ है कल कहाँ है मतलब बताओ मैंने बोला कि यार मैं कल तुमसे मिलूंगी कल आया नहीं आया ना कल फिर से आज बन गया तो ये जो कल 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 का प्रोसीजर है ना इसको छोड़ दो ठीक है इसको छोड़ दो अब क्या करना है ए टार्स निकालने हैं ए टार्स निकालने हैं कैसे करना अभी इनको डिवाइड फिजिक्स केमेस्ट्री बायो और बचा इंग्लिश ये चार हैं फिलहाल मेन सब्जेक्ट्स है ना ये चार हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं आठ घंटे हैं हमारे दो दो चार छ आठ आठ घंटे आराम से बन सकते हैं इसके है ना आठ घंटे आराम से बन सकते हैं तो क्या करना है अब इन आठ घंटों को यूटिलाइज करने के लिए दो घंटे में आपने एक वन शॉर्ट रिवीजन सीरीज देखी एक चैप्टर की वन शॉर्ट रिवीजन सीरीज देखी 1.5x एक्स की स्पीड पे 1.5x एक्स की स्पीड पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यही करती थी मैं यही करती थी क्योंकि मैम जनरली आराम से समझा लिये होते अरे मेरा बच्चा सब ठीक है सब ठीक है और फिर आप लोग स्पीड तेज करोगे तो सुनाई अच्छे से देगा बट ये जो बीच बीच में थोड़ी सी बातचीत होती है ना वो हट जाएगी है ना स्लो स्पीड रखने से अच्छा 1.5 की स्पीड पर देखना और उसके बाद प्रैक्टिस करो एन या फिर जिसमें से भी आपको करनी होती है यार मैं फिजिक्स के मैस्ट्री की टीचर नहीं हूँ बट स्टिल दो बुक्स तो जनरली होती होंगी दो घंटे को ऐसे ही यूटिलाइज करना है सेम गोस फॉर एवरी सिंगल टॉपिक चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायो हो चाहे फिजिक्स दो घंटे यूटिलाइज करने का तरीका यही है कि एक वन शॉर्ट सीरीज निपटाई उसके बाद साथ में उसी चैप्टर की प्रैक्टिस कर ली मैक्सिमम दस ग्यारह चैप्टर होंगे उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं आने वाला तो प्रैक्टिस करी रिविज़न करी रिविज़न करी, करी प्रैक्टिस करी जब आधा टाइम बच रहा हो इसके बाद भी आठ घंटे के बाद भी अगर टाइम निकल पा रहा है स्कूल फिलहाल नहीं जा रहा कुछ और नहीं कर रहे तो गिव इट फोर टू फाइव आवर्स चार से पांच घंटे दे दो उसके बाद आ जाते हैं इंग्लिश पे इंग्लिश में कैसे बांटने दो घंटे लिटरेचर की सीरीज देखी ठीक है सीरीज देखी जनरली मेरी की ही हैं वन आर की वीडियो देखी ठीक है उसके साथ साथ एक ग्रामर का टॉपिक निपटा लिया क्योंकि इस वन आर वीडियो में हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी हैं इस वन आवर वीडियो में हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी हैं समरी भी है सब कुछ है तो इंग्लिश तो यार बहुत आसानी से हो जाएगा एक घंटा लिटरेचर देखिए एक टॉपिक ग्रामर का निपटा लिया ठीक है बिना प्रैक्टिस के कोई भी ऊपर नहीं पहुंच सकता मतलब चांद पे जाने के लिए भी प्रैक्टिस लगी थी उन्होंने पूरे दो तीन महीने छः सात महीने प्रैक्टिस की थी अपनी बॉडी को परफेक्ट बनाया था तो तुम तो मतलब इंसान हो समझ लो इस चीज को प्रैक्टिकली समझ लो सॉरी मेरा कहाँ से काम कभी का नहीं जाने वाला तो यार प्रैक्टिस के बिना ना कोई काम नहीं होने वाला चाहे कोई भी काम हो तो एक स्केड्यूल फिक्स करो स्केड्यूल कैसा फॉर एग्जाम्पल आप सुबह आठ बजे भी उठ रहे हो तो आठ से एटलीस्ट ग्यारह बजे तक का एक सब्जेक्ट निपटा लिया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या इंग्लिश जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उसको सुबह के टाइम करो क्योंकि सुबह के टाइम ना हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है हमारे दिमाग में ना कचरा नहीं भरा होता, ये ये होता है लोग परेशान नहीं करते हैं सुबह के टाइम पे वीक सब्जेक्ट उठा लो अब कौन सा वीक सब्जेक्ट है आप देख लो कौन सा वीक सब्जेक्ट है ये आप देख लो बट वीक सब्जेक्ट ही उठाना है सुबह के टाइम और उसको तीन घंटे दे दो अभी तो कुछ खास करना भी नहीं है इसको कहना बंद कर दो आज से मोबाइल कम यूज करूँगा दिन रात मोबाइल पे लगे रहते हैं क्लासेस का बहाना लेके इंस्टाग्राम फेसबुक पे लग जाते हैं लगते हो नहीं लगते हो जल्दी बता दो यार इंस्टाग्राम फेसबुक स्नैपचैट अरे भाई स्ट्रीक टूट जाएगी जल्दी से स्नैप भेज दे यार स्नैप की स्ट्रीक डाली हो जल्दी से भेज यार फेसबुक पे तूने ये देखा उसके बाद यार रील पर ना व्यूज नहीं आ रहे थोड़े दिन छोड़ दोगे ना तो भी व्यूज आएंगे और अगर नहीं भी आए तो क्या जा रहा है पैसे थोड़ी लग रहे रील्स पे नहीं लग रहे ना तो थोड़े दिन के लिए इस वर्ड को फॉलो करो इस वर्ड को फॉलो करो और अगर बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि यार अब तो बर्दाश्त नहीं हो रहा सांस नहीं आ रही अब तो भाई लटक गया बस तो क्या करना है आधा घंटा ले लो ना यार तुम लोग साइंस के स्टूडेंट्स हो अभी भी टेंशन नहीं लोगे ना अभी भी सीरियस नहीं होगे तो मतलब भगवान भरोसे हो कॉलेज नहीं जाना अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाने के लिए भाई अभी तो थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आधा घंटा दे दो तो जितनी रील्स देखने इंस्टाग्राम पे हो क्या रहा है शादी हो रही हैं जब इंस्टाग्राम खोला शादी होगी जब इंस्टाग्राम खोला शादी होगी यार कितनी शादियाँ देख ली मतलब मैंने तो तो यार आधा घंटा यूज कर लो थोड़े दिन पेपर हो जाएंगे दे देना फिर इंस्टाग्राम को टाइम कुछ नहीं जा रहे इंस्टाग्राम पे ठीक है उसके बाद आ जाते हैं अब एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी पे कि कितनी क्वांटिटी में क्या चीज करूं है ना कितनी क्वांटिटी में क्या चीज करनी है अनसीन पैसेज टोटल 15 सॉल्व कर लूं. इसके बाद एक मैराथन की सीरीज दे दूंगी टेंशन नहीं लेनी है एक मैराथन की सीरीज दे दूंगी तो उसमें क्या फायदा होगा आप लोगों को एक सेकेंड मैराथन सीरीज में आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे उसमें से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और छाट कर क्वेश्चन लाऊंगी एकदम जो पेपर में आने के पूरे चांसेस हो सकते हैं पंद्रह पैसेज सॉल्व करो इन्हीं पैसेज की नोट मेकिंग बनाओ नहीं तो अलग से पैसेज पढ़ के दस क्वेश्चन कर लो मेकिंग के दस क्वेश्चन कर लो मेकिंग के और यार इतना टाइम तो निकल सकता है इन दोनों को रोज एक घंटा देने की जरूरत है ही नहीं एक दिन बैठे और तीन घंटे की प्रैक्टिस कर ली एक घंटे में आप लोगों ने तीन चार पैसेज सॉल्व कर लिए तो बस हो गया काम तीन आवर्स देने हैं आपको एक दिन में अनचिन पैसेज और नोट मेकिंग को इससे ज्यादा टाइम ये नहीं खाएंगे इट्स जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी और प्रैक्टिस के लिए तो टाइम बहुत है मोर देन एनफ है ठीक है पंद्रह नहीं होते टाइम नहीं बचता तो यार दस पैसेज करो और उसी की ही ये दस नोट मेकिंग बना लो ये ऐसा स्केड्यूल बता लो जो मतलब मैंने फॉलो किया मार्क्स अच्छे आए थे मैं अपने भाई बहनों को बोलती हूँ उनके मार्क्स आ गए तुम लोगों को बोल रही हो तो तुम लोग फॉलो करोगे तो शायद आ जाए फॉलो यार शिद्दत से करना पड़ेगा ऐसे नहीं मतलब मैम आपने तो बोला था हमने थोड़ा सा किया थोड़ा सा नहीं किया अगर हंड्रेड परसेंट नहीं करते तो एटलीस्ट एट्टी परसेंट फॉलो करो इसको ठीक है देन वी हैव शॉर्ट राइटिंग में पोस्टर्स मैक्सिमम फाइव पोस्टर्स कर लो फाइव पोस्टर्स कर लो मैक्सिमम, एक हो गया आपका सोशल कॉज का चाइल्ड लेबर है या फिर विडो uh, मैरिज है या फिर कोई और इशू है तो एक सोशल कॉज का हो गया एक एड का हो गया एड किसकी प्रोडक्ट की ठीक है एक आपका हो गया इवेंट का पोस्टर इस तरीके के तीन चार पोस्टर की प्रैक्टिस कर लो बस डेट सेट डिजाइनिंग और दिमागी चलाना है अब आ जाते हैं लॉन्ग राइटिंग यानी कि लेटर जो कि आपका आएगा फाइव मार्क्स का एंड फाइव मार्क्स ट्रस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अब लॉन्ग राइटिंग में क्या करना है फॉर्मेट ही फॉर्मेट एक नंबर का होता है एक नंबर का तो यार फॉर्मेट ही होता है एक या फिर आई गेस डेढ़ नंबर का होता है शायद ठीक है मतलब टीचर टू टीचर डिपेंड करता है कि वो फॉर्मेट को कैसे कंसीडर कर रही हैं फॉर्मेट के मार्क्स आ गए उसके बाद स्टार्टिंग लाइन सेम होती है दिस इज टू इन्फॉर्म यू या फिर हेलो हाई आई एम दिस 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 या फिर थ्रू दी कॉलम्स ऑफ योर यीम्ड न्यूज पेपर सबकी लाइन्स ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं ठीक है तो लेटर आप लोगों ने लिखा इसमें पाँच मार्क्स आ गए लेटर में तीन पैराग्राफ्स होने ज़रूरी हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर करते करते आपने कर लिए एटलीस्ट सेवन लेटर्स डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग टाइप्स के सेवन लेटर्स कर लो दैट्स इट ये जो नंबर लिख लो ना नंबर पे ध्यान देना है कि मैम कितना क्या चीज़ करें अभी मैं टाइम बता देती हूँ फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी फोर आवर्स है ठीक है दस घंटे की आप लोगों ने स्लीप ले ली ठीक है कभी कभी लगता है ना कि मतलब बस सोते रहो सोते रहो तो बचे फोर्टीन आवर्स ठीक है फोर्टीन आवर्स में सब आपको निकालने हैं पढ़ाई के आठ घंटे जो मैंने फिक्स बताए हैं बचे सिक्स आवर्स अब इस सिक्स आवर्स में से आप लोग निकालिए दो घंटे पढ़ाई के लिए अलग से और बाकी का टाइम आप लोगों का चार घंटे इधर उधर हांडना घूमना जितना मर्जी करो मतलब जो करना है रिलैक्स करो घर का काम करो ये स्केड्यूल फॉलो कर लो बट शिद्दत से फॉलो करो ठीक है बट शिद्दत से फॉलो करो इस चीज को और 10 घंटे ना कोई सोता नहीं है जनरली मैंने इसलिए दिए हैं कि भाई बहुत नींद आ गई मतलब इतनी नींद आती है आपको आप आके खोल ही नहीं सकता अगर नींद पूरी ना हो तो दस घंटे को अगर आप सात या फिर छह घंटे भी करोगे तो भी आप लोग ये वाला टाइम बढ़ा सकते हो ये वाला टाइम आप बढ़ा सकते हो और ये टाइम बढ़ाना भी चाहिए अभी टाइम है फिर तो सोते ही रहना है ये टाइम बढ़ाइएगा डिटर्मिन रीओरिंग ऑफ सेंटें इसकी मैं करवाऊंगी मैराथन लाइव इसकी मैराथन होगी लाइव शायद वेंसडे को या फिर संडे को हम लोग कर लेंगे इधर संडे और इधर वेंसडे संडे और वेंसडे में से हम लोग इसकी मैराथन कर लेंगे आपको स्केड्यूल मिल जाएगा मेक श्योर sure आप लोगों से मैं आ जाए क्योंकि उसके बाद ग्रामर नहीं करनी पड़ेगी चैप्टर क्लोज कर सकते ग्रामर का ठीक है नहीं तो अगर करनी भी है तो आपको ट्वेंटी क्वेश्चन ईच प्रैक्टिस कर लो और ये ट्वेंटी क्वेश्चन ईच यानी कि टोटल सिक्सटी क्वेश्चन बने सिक्सटी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो दो घंटे में चलो मान लिया कि भाई एक क्वेश्चन पे दो मिनट ले लो आप तो दो घंटे निकालो एक दिन के और ग्रामर निपटा डालो कहाँ से टाइम मैनेजमेंट में इशू आएगा नहीं आएगा फिर टाइम मैनेजमेंट में इशू आएगा ही नहीं अगर आप लोग फॉलो करोगे तो इसके साठ क्वेश्चन कर लिए इसके पांच पोस्टर्स और सात लेटर्स कर लिए इसमें एटलीस्ट दस क्वेश्चन कर लिए कहाँ से फिर मेहनत लगेगी और लगेगी नहीं अब आ जाओ लिटरेचर पे इसका वन शॉट मिल गया है आपको इसका भी वन शॉट मिल गया है इसका भी और इसका भी दोन इन सबके वन शॉट मिल गए हैं आपका बस रह रहा है सिल्क रोड है ना और ये दो चीजें रह रही हैं बस ये तीन चीजें आपको अगले संडे तक या फिर अगले वेंसडे तक मिल जाएंगी प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली तो बाकी सारे वन शॉट रिविजन सीरीज को देखो रोज का एक वन शॉट देख लो एग्जाम से पहले दोबारा कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि दिमाग में बैठ जाएगा देखने में सुनने में और लिखने में ना बहुत सारी चीजें ऑलरेडी सब कॉन्शियस दिमाग में ना बैठ जाती हैं सुबह से फरारी 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 कर रहे हो रात को ना नींद में फरारी दिख रही होगी कल सुबह भी रोड में फरारी ही दिख रही होगी इनफैक्ट एड भी आपके पास फरारी की ही आएगी क्यों क्योंकि वो कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ गई ना तो वैसे ही इंग्लिश को भी बैठा लो दिमाग में सिंपल एज दैट यही स्केड्यूल है इसके अलावा कुछ और साइंटिफिक मतलब रॉकेट साइंस तो नहीं आने वाली कोई प्रॉब्लम है तो एक बार बता दो जल्दी से कोई भी प्रॉब्लम है तो जल्दी से बता दो आएगा इस कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए अब आ जाते हैं एक और चीज़ पे जो बच्चे रेगुलरली करते हैं क्या करते हैं रेगुलरली मम्मी ने बोला बेटा मटर छील दे बेटा मटर छील दे प्रिया बेटा मटर छील दे प्रिया कैसे बोल रही है हाँ मम्मी मटर छील देती हूँ क्लास तो ऑनलाइन चल रही है मटर छीलने में क्या जा रहा है यार मटर छील देती हूँ ये हमको नहीं करना है आपको बनना है ये आई एम मल्टी टास्किंग बट आई कैन लिसन इग्नोर एंड फॉरगेट एट द सेम टाइम मतलब मम्मी जब बोले ना पढ़ते वक्त की बेटा मटर छील दे जा किरियाने की दुकान से सामान आ जा ये कर दे जा वो कर दे काम बाद में हो सकता है किसी की ट्रेन नहीं छूट रही ना ही आप भूकंप आ रहा ठीक है नहीं आ रहा अभी सच में नहीं आ रहा आ भी जाएगा तो यार वो अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन है मटर बाद में छील सकते हो काम बाद में कर सकते हो जिस वक्त पढ़ रहे हो शिद्दत से पढ़ाई पे ही ध्यान देना है वरना मत करो साफ सीधी बात क्यों करनी है यार मतलब दो दो जगह दिमाग रखोगे दो नाव में पैर रखोगे तो बीच में गिर जाओगे ना दो नाव में पैर रखोगे तो बीच में गिर जाओगे तो इसीलिए मल्टीटास्किंग बिल्कुल नहीं बनना है एक टाइम पे एक चीज करो ये टेक्निक मेरी फेवरेट टेक्निक है जनरली मैं नहीं बताती हूँ कि मैं कैसे प्लान बनाती हूँ बट स्टिल बच्चों के लिए तो यार करना ही है तो यार ये टेक्निक लाती है पोमोद्रो टेक्निक क्या कहलाती है पोमोडोरो टेक्निक कहलाती है टेक्निक का नाम बहुत डिफिकल्ट है बट टेक्निक बिंदास है क्या टेक्निक है सब्जेक्ट चूज किया इंग्लिश में टॉपिक चूज किया डिटर्मिनर्स ठीक है टेंसेस मान लो चलो टेंसेस चूज किया आपने अलार्म लगा लिया पच्चीस मिनट का ठीक है इसको करके देखना एक बार बहुत मजे आएंगे पच्चीस मिनट का अलार्म लगाया टेंसेस की पूरी रिवीजन कर ली टेंसिस की पूरी रिवीजन कर ली फिर उसके बाद पांच मिनट का ब्रेक लिया अलार्म बज गया पच्चीस मिनट बाद पांच मिनट का ब्रेक लिया इसी को ही चार बार रिपीट करो इसी को ही चार बार रिपीट करो क्या किया हमने किया पच्चीस मिनट डिटर्मिनर किया ठीक है मान लो पांच मिनट उठ के झाड़ू पोछा, नाचना गाना जो मर्जी कर लिया ठीक है उसके बाद फिर तीस मिनट लिए फिफ्टीन क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए डिटर्मिनर्स के ये प्रैक्टिकल चीज़ है इसको करके देखना सच में मज़ा आएंगे और बाद में क्लास में आके रिपीट करके बताना कि हाँ मैम ये टेक्निक तो बहुत बिंदास निकली क्योंकि इसमें टाइम का पता भी नहीं चलता है सच पच्चीस मिनट तो यार ठीक है वरना बच्चे बीस मिनट के बाद ही बोलते मम्मी अब नहीं पढ़ा जा रहा अब तो नींद आ गई है इसीलिए बोल रही हूँ कि तीस मिनट का पंद्रह क्वेश्चन करें फिर पाँच दस मिनट का ब्रेक लिया आप इसके तीन या चार कितने मर्जी स्केड्यूल्स बना सकते हो मतलब इसको फिर रिपीट कर दिया फोर टाइम्स इस तरीके से आप लोग फॉलो करोगे तो भाई बहुत अच्छा लगेगा वरना तो नहीं समझ आ पाएगा वरना तो नहीं समझ आ पाएगा अब आ जाते लिटरेचर पे जिसमें ज़्यादा दिक्कत होने वाली है दी ब्राउनिंग वर्जन तो प्ले है टैपलो वाला है ना टैपलो वाला प्ले है जिसमें टीचर की बात हो रही है एलिंग प्लानट में इन्होंने प्लानट से रिलेटेड बताया कि भाई हम लोग कितनी गंदगी मचाते हैं क्या क्या करते हैं वॉइस ऑफ द रेन हम लोग पढ़ चुके हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल ऑलरेडी आ चुका है तो ये सारी चीज़ें ना एक बार ढूंढो जाओ एक बार चैनल पे ही पढ़ ले एलेवेंथ पे जाओ और ढूंढो ये सारी वीडियोस ठीक है पढ़ पढ़ले इलेवेंथ ईजे नीट पर आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी ऑलरेडी इनकी भी प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक दिन मैराथन मिल जाएगी इनकी भी प्रैक्टिस करने के लिए मैराथन मिल जाएगी तो हमको क्या समझ आया मोटा मोटा कि हमको टाइम डिवाइड करना है आठ से दस घंटे तो हमको देने ही है पढ़ाई को आठ से दस घंटे क्योंकि ये कॉमर्स नहीं है ये साइंस और साइंस में थोड़ी बहुत तो मतलब जान लगानी पड़ती है थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम तो देना पड़ता है दूसरी चीज मल्टीटास्किंग मत तो बनो मल्टीटास्किंग नहीं बनना है उसके बाद हमारा जो ग्रामर और लिटरेचर है इसको या तो आप लोग टू आवर्स पर डे दे दो नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हो और वन डे ऑल्टरनेट डेज लिख लेते हैं यहां ऑल्टरनेट डेज दे दो चलो ऑल्टरनेट डेज थ्री आवर्स दे दिया आपने ऑल्टरनेट डेज थ्री आवर्स दे दिए ग्रामर को और थ्री आवर्स दे दिए लिटरेचर को ठीक है नहीं तो और ज्यादा आपको स्टिक करने वाला टाइम टेबल चाहिए ना तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मेरी वीडियोस कब आती हैं इस दिन है ना इस दिन आती है तो आपको क्या करना है शुरू के तीन दिन लिटरेचर दे दिया या फिर ऑल्टरनेट डेज पे लिटरेचर दे दिया यहाँ पर ग्रामर हो गई ग्रामर हो गई ग्रामर हो गई और बाकी सारे सब्जेक्ट्स को रोज का टाइम दो बाकी सारे सब्जेक्ट्स को रोज टाइम दो 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 घंटे तो मैनेज कर सकते हो और अगर आपको चाहिए कि मैम बिल्कुल अब लिखी हुई चीज़ें दे दो कि मतलब ये सारे हम लोग कौन कौन से दिन पे करें तो ये अगली क्लास में आप लोगों को टाइम टेबल ला के दे दूँगी कि भाई देखो इतने ही टाइम पर ये चीज़ कर लो इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता और मतलब अब तो मैं क्या ही बोलूँ प्रैक्टिस दिखी आई पर्सनली फ़ील जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे चाहे कोई कितना भी ज्ञान दे दे कितना भी समझा दे दिमाग में कुछ नहीं आने वाला कुछ नहीं आने वाला क्यों कह रही हूँ क्योंकि सच में नहीं आएगा ना जब तक तो खुद से नहीं होगी कि हाँ मुझे ये चीज सच में करनी है या अचीवेबल है भी या नहीं आपको पता है एक तो होता यार मेरे को टॉप करना है एक तो होता कि यार पास होना है डिसाइड कर लो क्योंकि आपको जाना है यहाँ से सीधा यहाँ पर एक का एम है कि बस यार मैं यहीं पर आ जाऊँ और एक का एम है कि यार मुझे तो यहीं पर ही आना है तो देख लो यहाँ से यहाँ तक फिर यहाँ से यहाँ तक कैसे अचीव करना है यहाँ तक के लिए तो आप अभी रेडी हो यहाँ से यहाँ तक के लिए आपको रेडी होना है प्रैक्टिस करो रोज के आठ से दस घंटे निकालो और कोई टेंशन होती है तो यार कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन है आप लोगों के लिए ऑलरेडी तो इतनी ज्यादा ना टेंशन की नीड है नहीं आज सच ये वीडियो काफी छोटी रहेगी ताकि देख कर खत्म करो कहानी नहीं सुनाई मैंने यहाँ पर कोई मैंने सिर्फ टाइम मैनेज करना सिखाया है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है कुछ दिन के लिए मम्मी को बोल दो कि मम्मी काम इतने ज्यादा मत दो और अगर दे रही है तो यार पाँच दस मिनट में करके खत्म करो जब बीच में गैप लेते तो पाँच दस मिनट का तब ले के खत्म करो शॉर्ट एड सिंपल और गप्पे मारना ना बन करो तुझे पता है यार उसकी सास ने क्या किया यार रुक रुक रुक, रुक। तो जब पता हूँ उनकी लड़की के साथ क्या हुआ तुझे पता उनका लड़का कहाँ रहता है छोड़ दो गोसे बाद में भी वही आंटीज होंगी बैठने के लिए ठीक है तो ऐसे ही सेशंस के लिए क्या करना है दोबारा से चैनल पे आना है वेंसडे को मिलेंगे अब हम लोग मैराथन के साथ लाइव लेना है सेशन तो कमेंट्स में ना एक बार लाइव लिख दो मैं क्योंकि कमेंट्स सारी देखती हूँ अपनी क्लास के बाद सो कमेंट्स में लाइव लिख दो वेंसडे को हम लोग फिर ग्रामर की मैराथन ले आएंगे ठीक है तो अच्छा बाटी तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन जल्दी से लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा बाय टेक केयर